एससी वर्मा सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम एंड कुलेजंग का न्यूमेरिकल 5। डिस्क ऑफ रेडियस आर इज कट आउट फ्रॉम लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2R इन सच अ वे दैट द एजेस ऑफ द होल टच द एज ऑफ द डिस्क। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिडुअल डिस्क। तो इस न्यूमेरिकल में क्या किया है कि फोर्थ न्यूमेरिकल में जो डिस्क एक डिस्क के ऊपर दूसरी डिस्क रखी थी और उनकी पेरिफेरी टच हो रही थी, यहाँ पे क्या किया है, ये दूसरी डिस्क की साइज यहाँ से कट कर दिए। मतलब ये सिर्फ पहली डिस्क है, एक ही डिस्क है आर टू रेडियस वाली, और उस आर टू रेडियस से ही उन्होंने एक पार्ट कट किया है। कितना पार्ट कट किया है, ये आर रेडियस वाला। और किस तरह से पार्ट कट किया है कि दो ए जो होल होगा यहाँ पे, अब इस होल का एज और इस का पेरिफेरी एक दूसरे को टच हो रहे, इस तरह से पार्ट कट किया, तो उसका सेंटर ऑफ मास, मतलब कट करने के बाद सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आ जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखो ये न्यूमेरिकल जो 4 है वही रख दिया है, क्योंकि उसमें सिर्फ स्लाइटली चेंजेस करने हैं हमें। तो जैसे सेंटर ऑफ मास सिस्टम का ये आ जाएगा अब, लेकिन यहाँ पे तो मास नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि जैसे कि पहले जो डिस्क थी आर टू रेडियस की, टू आर रेडियस की डिस्क एक कट करने से पहले, वो होगा पार्ट जिसका मास होगा m1। और अब क्या करेंगे, कट करने के बाद, कट करने के बाद ये जो मास m2 निकाल दिया, उसमें से m2 मास निकाल दिया, मतलब यहाँ पे इस होल का मास कितना हुआ, माइनस m2। तो ये होल को भी एक हम बॉडी ले लेंगे, लेकिन कैसी बॉडी, जिसका मास होगा माइनस m2। ये इतना पार्ट निकाला है जिसका मास होगा m2, तो हम मान लेंगे कि ये होल का जहाँ पे कुछ नहीं है तो उसका मास ले लेंगे हम माइनस m2, और इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहले y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो y कोऑर्डिनेट जैसे फाइंड किया था इसका मास, अब ये जो r2 होगी, ये r2 उसका मास कितना आ जाएगा, अभी जो फोर्थ न्यूमेरिकल में किया है वैसे ही, उसका वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम कितना आ जाएगा, तो इसका एरिया इंटू ये हाइट डी, उसकी विड्थ, तो पाई आर कितना इसका 2R, पाई आर स्क्वायर डी रो। तो ये एम वन, इसे वो कहा था एम वन, तो एम वन का मास वही आ जाएगा जो पहले आया था। अभी एम टू का मास कितना आ जाएगा, तो ये जो बाहर निकाली है डिस्क, जो बाहर निकाली है डिस्क उसका मास कितना है, पाई आर स्क्वायर, इसकी रेडियस आर है, पाई आर स्क्वायर डी, मतलब वो उसकी विड्थ इंटू रो, इतना आ जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में होल का मास कितना आ जाएगा, तो वो लेते हैं हम माइनस, मतलब इसे माइनस। अब x1 कोऑर्डिनेट, इसका x1 कोऑर्डिनेट कहाँ पे आएगा, इसे सेंटर ले लिया तो ए ही आ जाएगा, और x2 मतलब इसका सेंटर कहाँ पे आ जाएगा, यही पे आ जाएगा होल का सेंटर, मतलब यहाँ से r डिस्टेंस पर, तो ये सेम ही हो जाएगा, सिर्फ अभी y कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। तो y कोऑर्डिनेट, ये पूरी डिस्क जिसकी रेडियस 2R होगी उसका y कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ जाएगा, तो वो सेंटर ही ले लिया है उसका, उस डिस्क का सेंटर हमने ओरिजिन ले लिया, तो उसका वाई तो जीरो आने वाला है। अब इसका सेंटर y कोऑर्डिनेट भी कहाँ पे आ जाएगा, इसका सेंटर तो यहाँ पे है, तो इसका y कोऑर्डिनेट भी x एक्सिस पे आने वाला है, मतलब जीरो, मतलब इसका y एक्सिस फिर से जीरो आने वाला है। न्यूमेरिकल 4 का बिल्कुल सिमिलर न्यूमेरिकल है ये 5 वाला न्यूमेरिकल। अब x कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, अब हमें x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो ये m1 मतलब इसका मास, इसका मास हमने यहाँ पे फाइंड किया, ये मास ले लिया 4r स्क्वायर पाई डी रो, ये ले लिया इंटू एक्स वन, मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट कहाँ पे आ जाएगा इसका, इस डिस्क का एक्स कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे आ जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट भी यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा जीरो प्लस। अब इस होल का मास कितना ले लिया हमने, माइनस, तो ये आएगा माइनस, ये एम टू लिख दिया हमने, और इसका एक्स टू कोऑर्डिनेट, एक्स टू मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा एक्स, मतलब ये आएगा आर प्लस एम वन प्लस एम टू, एम वन कितना है, ये वाला एम वन, तो ये एम वन लिख दिया प्लस एम टू, मतलब ये माइनस आ जाएगा, तो ये एक्स, ये तो आ गया जीरो, ये आया जीरो, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये पाई, ये आर क्यूब और ये डी रो डिवाइडेड बाय ए, अब ये फोर माइनस वन, मतलब ये आएगा थ्री, ये पाई आर स्क्वेयर डी रो, तो डी रो गया, आर स्क्वेयर इसे एक के लिए चला जाएगा पाई, मतलब ये आर बाय थ्री, वाई कोऑर्डिनेट कितना आ गया आर बाय थ्री, और एक्स आया था हमारा, एक्स आया था जीरो। तो इस तरह से सेंटर ऑफ मास का इस सिस्टम में पोजीशन कहाँ पे आएगी, आर बाय थ्री आ जाएगा, और ये जीरो, मतलब ये होगा आपका आंसर। तो इसके लिए आपको न्यूमेरिकल 4 करना है, 4 आया तो ये 5 न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक हो जाएगा। सिर्फ इसमें फर्क क्या है कि ये जो डिस्क हमने ले ली तो उसके जगह पे हम क्या ले रहे, उसका माइनस
मास ले रहे हैं।